समस्या ये है कि जब जो है ये यहाँ राज था दलालों का और पैसा लेते थे, तब बाबू की स्ट्रेंथ थी, बाबू यहाँ बैठते थे, काम करते थे। अब दलालों का ख़त्म हो गया तो बाबू बैठते ही नहीं है। मैं 10 बजे आया हूँ, 12:45 बजने जा रहा है, अभी तक कोई अभी आईडी भी नहीं खुली। मुझे अपना गाड़ी का फिटनेस कराना है, फिटनेस में पेनल्टी लगती है पर डे के हिसाब से। यदि आज पैसा जमा नहीं होता है तो कल पेनल्टी लग जाएगी 500 रुपया। बाबू नहीं है, आरटीओ साहब भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, मैं वरिष्ठ सहायक हूँ यहाँ पर। कुछ लोग काम अंदर से किया जा रहा, कुछ ऑफलाइन से लगवा रही है। नहीं, सभी लोग बाहर से काम कर रहे हैं, जो कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी फाइल नहीं मिली है वो अंदर आ गए। हाँ, सभी बाहर से काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों काम तो नहीं हो रहे, परेशान हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पूछा आप खड़े हुए? अरे इनसे क्या पूछा, जो अंदर खड़े हैं लोग? हाँ, अंदर मेरे काउंटर का कोई हो तो बताएं आप। सीधे सीधे काम हो क्यों नहीं रहा? लोग सीधे कर रहे हैं काम, हम सभी लोग सीधे बैठे हैं। बाबा पूछिए आप। बाबा कौन है आपके? नहीं, हमारी थोड़ी है, बस ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, फाइल लेके बैठे हैं अपनी। ये अंदर से क्यों आएंगे? नहीं, अंदर से काम नहीं करा रहे ना। नहीं, स्टाफ के लोग नहीं है। बुजुर्ग नहीं, नहीं, ऐसा मानिए लोग, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा सा आदर सत्कार करना पड़ता है। महिला के लिए और बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा कि उनको बरिज्जत दी जाए। हाँ, बस प्रशासन के कड़े रुख के कारण ये आरटीओ विभाग से दलाली प्रथा तो खत्म हो रही है, लेकिन दलाली प्रथा खत्म होने से सबसे ज्यादा नाराजगी यहाँ के कर्मचारियों पर है। दलाली प्रथा खत्म हो जाने से कर्मचारियों की ऊपरी इनकम बंद हो चुकी है, इसलिए कर्मचारियों ने अपनी सीट पर बैठना भी बंद कर दिया है। उसका परिणाम यह है कि जो वाहन स्वामी यहाँ पर अपना काम कराने आ रहे हैं वे बेहद परेशान हो रहे हैं। कई वाहन स्वामी तो हमें ऐसे मिले जो 15-15 दिन से इस कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। सीधा सा सवाल है कि आखिर वाहन स्वामी इस ऑफिस से चक्कर काट रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका सीधा साधा जवाब यह है कि पीछे का कारण इसका सिर्फ यही है कि यहाँ के कर्मचारी दलाली प्रथा से मुक्त नहीं होना चाहते, उन्हें ऊपरी इनकम वाहन स्वामियों से चाहिए ही है। आज ये हालात ये हैं कि आज इस ऑफिस में आरटीओ साहब भी गायब हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो वाहन स्वामी यहाँ अपना काम कराने आ रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, वो अपनी शिकायत किस आलातकारी से करें? संदीप मिश्र, ईटीवी न्यूज़, इटावा।